सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। कैसे हो आप सब? परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राजमसी चरण और यीशु जगह सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रार्थना में मन नहीं लगाना, वचन पढ़ने मन नहीं करना, नींद आ जाना, चर्च में जाने का मन नहीं करना, आलस आ जाना। कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि लेटर है, कभी कभी ऐसा होता है कि उठ के भी नहीं मन करता, बाइबल पास में रखे तो उठा भी नहीं जाता। कभी कभी ऐसा मन होता है कि आज संडे है, रेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों मन में ऐसे विचार आते हैं? क्या कारण है ऐसे विचार आने का? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक दिया और इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग पिता जो ग्रसित हैं वो आज बाहर आएंगे और आज हर एक शैतान का जाल हटेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जैसे ऐसा होता है नहीं, मुझे बताना, क्योंकि ऐसा होता है और मेरे साथ और आपके साथ सबके साथ ऐसा होता है कि कभी मन नहीं करता, है ना। आज मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, आज मन नहीं कर रहा वचन पढ़ने का, आज मन नहीं कर रहा चर्च जाने का, है ना। आज मन नहीं कर रहा कि आलस आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ताकत नहीं रहती, है ना, और वचन इतना भारी लगता है कि 2 मिनट का वचन भी लगता है 2 घंटे कब ख़त्म होगा। और आज पता है कि मीटिंग है, सब कुछ है, लेकिन आज के दिन ही आलस आ जाएगा, आज के दिन ही नींद ज़्यादा आ जाएगी। शनिवार का दिन है, संडे आने वाला है, उस रात में ऐसी नींद आएगी कि सुबह उठने का कभी कभी मन नहीं करता। आज चर्च छोड़ देते हैं, आज चर्च नहीं जाते, आज प्रार्थना नहीं करते। आज आपका जो टाइम है उसी टाइम आपको आलस का आ जाएगा, उसी टाइम आपको वचन उठाने का मन नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, क्यों होता है? क्यों हमारे मन में ऐसे नेगेटिव ख्याल आते हैं या आलस आते हैं, शरीर हमारा साथ नहीं देता, क्यों होता है ऐसा? याद रखना, जब आपका मन प्रार्थना के लिए ना करे, जब आपका मन वचन पढ़ने के लिए ना करे, जब आपका मन भवन जाने के लिए ना करे, उस समय एक बड़ी आशीष आपका वेट कर रही होती है, आमीन। उस समय आपका छुटकारा आपका वेट कर रहा होता है, उस समय आपको परमेश्वर बातें कर रहे होते हैं। कई बार आपकी आँख खुलती रात के 12 बजे, है ना, 2 बजे, 2:30 बजे, है ना, और आप उठते हो, अपना फ्रेश हुए, फिर सो गए या पानी पिया, लेकिन उस समय जब आपकी नींद आँख खुल रही है, वह समय होता है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। और शैतान का काम है शरीर को दुर्बल करना, आत्मा दुर्बल नहीं है, वह आत्मा को कैच नहीं कर सकता, वो शरीर को करेगा, मन पे अपना कब्जा लाएगा। शरीर भी जब कमज़ोर होता है, जब हमारा मन थक जाता है, जब हमारे मन में ऐसी बात आती है, अगर मन हमारा परमेश्वर में है, दिल दिमाग परमेश्वर में ना, तो शरीर को हम काबू कर लेंगे। अरे नहीं, कुछ नहीं होता, हम खुदा के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन जब शरीर जो है जीत जाता है, कैसे जीतता है? मन के द्वारा। मन में हमारी आ गया ना, आज आलस है, आज ठंड बहुत है, आज गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में, इतनी बरसात में कौन जाएगा, है ना, भीग जाएंगे, सर्दी हो जाएगी, ये कैसे आ रही है मन में? मन में बात आ रही है और फिर हमारे जीवन में आलस एंटर कर जाता है। ठीक है, आज आपका शरीर दुखी है, परेशान है, बिखार है, लेकिन जब मन एक्टिव हो, परमेश्वर में आत्मा बुलंद हो, तो टाटो यीशु मसीह में और खड़े हो और काम करो। कई बार मुझे नींद आती है, कई बार मुझे आलस आता है, है ना, अपना मुँह हाथ धोया या परमेश्वर काम करा, है ना, ऐसा होता है अभी भी, तो मैं उसको डांटता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। शरीर ना थक जाता है, रेस्ट मांगता है, अलग बात है, लेकिन अगर आपके साथ कभी कभी ऐसा हो रहा, हफ्ते में ऐसा हो रहा है, तो याद रखना शैतान आपके अंदर आना चाहता है, वो आपको मिसगाइड करना चाहता है और आज आपको छुटकारा मिलेगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु जी आज के वचन के द्वारा इन लोगों के जीवन में छुटकारा आएगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन दिया प्रभु ने दो, अभी आत्मिक वचन दिया, पहला वचन दिया प्रभु ने मुझे यर्मिया 17:9, ध्यान से सुनना, लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है, वो धोखा दे रहा है, वो किस बात का धोखा? ताकि ब्लेसिंग ना मिले, शैतान डाल रहा है मन में बात, अरे आज तो गर्मी बहुत है यार, लू लग जाएगी, है ना, मन धोखा दे रहा है, मन में ऐसी बातें आ रही है नेगेटिव, आराम कर ले, मत जा, हमेशा चर्च जाता है, हमेशा बाइबल पढ़ता है, आज नहीं पढ़ेगी, आज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, आज वहाँ है, मतलब जो भी अननेसेसरी बात है जो खुदा के वचन को रोकती है, प्रार्थना रखती है, आलस लेके आती है, वो सारी बेकार की बात है और शैतान उन बातों को लेकर आता है। लिखा है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, कौन उसका भेद समझ सकता है? कौन समझ सकता है? परमेश्वर जानता है। अगर आज आपका मन में ऐसा आ रहा है, चलो आज परमेश्वर दास आने वाले, मत बुलाओ, बाद में बुला लेंगे,
आज तो दोपहर में आ जाएंगे, या कुछ भी ऐसा आता है जो आपके मन में आ रहा है, पर प्रार्थना रोकने का, वचन ना पढ़ने का, मानो आपका नियम है रोज़ बाइबल पढ़ने का, और एक दिन ऐसा हो रहा है कि उसी दिन आपको बहुत हल्का सा आ रहा है, यानी कि परमेश्वर उसी समय आपको मिलना चाह रहा है, और शैतान वो बात परख लेता है कि अभी आशीषित हो जाएगी, अभी आशीषित हो जाएगा, आज ही इसको रोक, आज ही इसको रोक। ऐसे नहीं कि आप बाइबल पढ़ रहे हो रोक नहीं रहा, ऐसा नहीं है, वो रोकने की कोशिश करता है कि आप पढ़ते रहते हो, लेकिन जब पता चलता है ना शैतान को कि आज इसकी मंजिल मिलने वाली है, आज इसको प्रतिफल मिलने वाला है, इस प्रार्थना के द्वारा ये चंगी हो जाएगी, इस प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, उसी टाइम उसी घड़ी उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, जो आपको आलस से भर देगा, जो आपको नींद आ जाएगी, आपका मन नहीं करेगा, कभी लाइव आ रहा है ना, आज लाइव देखने का मन नहीं कर रहा, थक गए बहुत, चलो बंद करके सो जाते हैं। अननेसेसरी चीज़ों में, क्रिकेट मैच हो गया, आईपीएल हो गया, कुछ भी, उसमें हमको नींद नहीं आती, उसमें हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। जब फ़ोन चलाते हैं तो कितनी देर तक फ़ोन चलाते हैं, उसमें हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, कुछ भी सुन सकते हैं कितनी देर तक, लेकिन प्रार्थना में, परमेश्वर वचन में क्यों नींद आती है? क्योंकि शैतान जान जाता है कि अब ये ब्लेस होने वाली है, अब परमेश्वर को सुनने वाला है, अब इस रात में परमेश्वर को मिलने वाला है। लिखा है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोला कौन को समझ सकता है। शैतान मन की बात नहीं जानता, लेकिन मन में बात डाल सकता है, जो जितनी भी बुरी बातें मन में आती हैं वो शैतान की ओर से आती है, वो डालता है और फिर वही सुनता है। अगर उसने डाले और आपने वो बोल दिया, वो मन में डाल रहा है आज छुट्टी कर ले, और आज आपने बोल दिया आज छुट्टी कर लो क्या, तो तुरंत शैतान ने वो बात पकड़ ली, फिर वो आपको भिका देगा। देखो परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे साथ है। लिखा रहेंगे एक और वचन, पेरोतो कथा उसका 5, लिखा है, हन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। यह बात उसकी पति भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर पेरोतो के पांव के ऊपर रख दिया। अब पियो जो चोरी कर रहे हैं वो लोग, है ना, क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब पता था कि ये ब्लेस होने वाले, अब पता था ये तरक्की पाने वाले, लेकिन शैतान इनके मन में एक बात डाल दी, चोरी कर, और वो बात मान ली। शैतान जो भी हमारे मन में बात डालता है उसे कभी मत मारना, उसे डिक्लेयर करना, उसे हटाना, उसे डांटना, कभी भी मत मारना। ठीक है, एक टाइम ऐसा होता है बीमार होते हैं, रेस्ट करते हैं, वो अलग बात है, वो परमेश्वर भी हमें उसमें सहमति देता है, है ना, वो अलग बात है, लेकिन अच्छे खासे हैं हम, सही हैं हम, और अचानक बुखार हो गया, अचानक आलस आ गया, कभी कभी है ना बाइबल उठाने का मन नहीं करता, बहुत दूर लगती है, कौन जा रहा है इतनी दूर, को छोड़ा, ऐसी ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद सो गए। ये आलस शैतान की ओर से है, ये बातें शैतान की ओर से है। हाँ, एक नॉर्मली फीवर है, एक नॉर्मली बीमार है जिसमें हम दवाई खा रहे हैं और हम सो रहे हैं, वो एक अलग बात है, उसमें परमेश्वर हमसे जानता है, मजबूरी जानता है, लेकिन क्या लिखा है, उसने रख छोड़ा, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली। अब पतरस ने क्या कहा, पतरस ने कहा, हे हन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ने मन में बात डालता है, वो मन में डालने वाला है, वो बातें करेगा, उकसाएगा, हवा के पास गया, उसके मन में वो बात डाल रहा था, ये फल कौन सा, उसको नहीं पता था शैतान को कि कौन सा फल है, वो पूछ रहा था कि कौन सा फल है, क्या है, क्या लिखा है। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने ये मन में तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से रख छोड़े? जब वे तेरे पास रही क्या वह तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या वह तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है, और ये बात सुनते वो मर गया। ये होता है, आशीष रुक जाती है, मृत्यु हो जाती है जब हम शैतान की बात सुनते हैं। तो आज से निवेदन है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आज नींद आ रही है, आलस कर रहा है, आप नहाओ, मुँह धो, ठंडे पानी से कुछ करो, उसको भगाने के लिए चाहे कॉफ़ी, जो भी आपको करना है वो करो, और उसका उसको आसपास भी भटकने मत दो, डांटो, लड़कारो, डिक्लेयर करो, और यकीन मानना जिस समय शैतान हमें रोक रहा है वो समय हमारा उद्धार का है, वो समय हमारा जीत का है, वही समय हमारी बढ़ोतरी का है, और शैतान उसको रोकता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ जो भी सुन रहा है इसकी उनके जीवन में, पिता परमेश्वर हर वो नींद, हर आलस, हर कमजोरी का आत्मा, हर वो आत्मा जो उनको प्रार्थना से रोकता है, अब यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से भर जाओ अभी इसी वक्त से। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद करता हूँ आपने उनको आज़ाद करा, धन्यवाद करता हूँ उनकी ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद इस टॉपिक के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।